नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू ओनली आईएएस एंड इन आर इकोनॉमिक सर्वे एनालिसिस वी आर मूविंग टू आर नेक्स्ट लेक्चर। दोस्तों, जैसा कि अभी तक हम हमारा पैटर्न चला रहे थे, जैसे कि हम वॉल्यूम टू और वॉल्यूम वन को मर्ज करके पढ़ रहे थे, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हमारे इंडिविजुअल टॉपिक्स चालू होते हैं जिनको हमको इंडिविजुअली पढ़ना है, तो हम उसको पढ़ेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, अब हमारे पास अगला टॉपिक कौन सा है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो ये रही उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट। यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे इकोनॉमिक सर्वे बात करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, इसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे बात करता है कि इंडिया ने क्या क्या अचीव किया है इन दीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो हम देखेंगे कि हमारी जो रैंकिंग है, स्कोर है, वो इम्प्रूव हुआ है फ्रॉम 57 2018 टू 16 2019। हम देखेंगे कि किस पैरामीटर्स पे हमने इम्प्रूव किया है, कहाँ पे हमको फोकस करने की ज़रूरत है। इसी के बाद में हम यहाँ पे फॉरेस्ट ट्री कवर के बारे में बात करेंगे और बेसिकली क्लाइमेट चेंज के बहुत से मुद्दों पे बात करेंगे। मगर इन मुद्दों को डिस्कस करने के पहले, अगेन जैसा हम हर बार करते हैं, हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? 2015 में दोस्तों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एजेंडा जो है वो ये लोग लेके आए थे। बेसिकली ये पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ गोल्स हैं जिनको फर्दर अचीव करने के लिए दोस्तों हर कंट्री अपने अपने नेशनल लेवल पे पॉलिसीज बनाती है, स्कीम्स लेके आती है, अपने गोल्स डिसाइड करती है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक वर्ल्ड ओवर ऑब्जेक्टिव्स रख के इसको फुलफिल करने की कोशिश की जाती है। आज पहले इसको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के नाम से जाना जाता था, जिसमें 10 गोल्स थे। आज इसको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में डिवाइड कर दिया गया है। इन विच वी हैव सेट 169 टारगेट्स फॉर आवरसेल्व्स एंड दीज टारगेट्स आर बेस्ड ऑन 304 इंडिकेटर्स। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलता है और बताता है आपको कि हाउ यू कैन अचीव द ग्रोथ इन बोथ इंक्लूसिव एंड एनवायरमेंटली साउंड, ताकि आप पॉवर्टी कम करो, आपकी कंट्री प्रॉस्पेरिटी करे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो, आपके यहाँ डेवलपमेंट हो, सब हो, मगर एनवायरमेंटली साउंड बेसिस पे। तो इसके बेसिकली तीन पिलर देखे गए, जैसा मैंने आपको सबसे पहला बताया इकोनॉमिक ग्रोथ हो, दूसरा जैसे मैंने आपको बताया सोशल इंक्लूजन हो, और तीसरा जैसे मैंने आपको बताया कैसा वायबल हो, एनवायरमेंटली वायबल हो। तो इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया। ये स्लाइड में आपको दो से तीन बार पूरे इकोनॉमिक सर्वे एनालिसिस में बता चुका हूं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने इसको बहुत बार यूज किया है। इसको रोक के जरूर पढ़िएगा, इसमें आपको दोस्तों पता होना चाहिए, एक अंदाजा होना चाहिए कि आपके सामने अगर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लिख दे तो आप उसको एकदम से पिक कर पाओ। तो अब बात करते हैं जहां से क्लाइमेट चेंज की बात चालू होती है, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, जिसको हम जानते हैं अर्थ समिट एंड डेवलपमेंट्स के नाम से। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 1992 में ब्राजील रियो डे जेनेरियो में मीट होती है इन 1992, जिसको अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। यहां पे 172 गवर्नमेंट जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। इसी के बाद में एक फॉलो अप वर्ल्ड समिट होती है अगेन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 10 साल बाद 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, और इसी के बाद में 2012 में यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस होती है ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको रियो प्लस 20 बोलते हैं क्योंकि ये 20 साल बाद हुई। दोस्तों ये तो मैं आपको बता रहा था क्रोनोलॉजी अर्थ समिट के नाम से, कि जिसको क्योंकि आपको रियो, रियो प्लस 10 और रियो प्लस 20 दोनों पता होना चाहिए, मगर हम यहाँ पे बात करेंगे अर्थ समिट क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट थी। हम इसके रिजल्ट देखेंगे कि रियो समिट ने किन किन चीजों को रिजल्ट किया। तो बेसिकली जैसा आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे तीन डॉक्यूमेंट निकल के आते हैं। एक हम रियो डिक्लेरेशन साइन करते हैं एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, दूसरा होता है एजेंडा 21, तीसरा होता है फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। फर्दर कुछ कन्वेंशन भी डेवलप होते हैं। देखो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कॉन्फ्रेंस जो होती है ये सिर्फ एक मीट होती है, ठीक है। कन्वेंशन जो होता है ये एक तरीके का फ्रेमवर्क डिसाइड हो जाता है कि हाँ हमको काम करना है और इन इन फ्रेमवर्क पे करना है, और फाइनल आता है आपका प्रोटोकॉल जिसमें जो फ्रेमवर्क है वो डिसाइड हो जाता है और ऑब्जेक्टिव जो है वो तय हो जाते हैं और प्रोटोकॉल जो होता है वो लीगली बाइंडिंग हो जाता है। तो ये तीनों डिफरेंस होता है। तो दोस्तों रियो प्रिंसिपल्स के साथ में जब रियो डिक्लेरेशन होता है तो कन्वेंशन भी आते हैं कुछ इससे रिलेटेड कि ओपन कर देते हैं कुछ, जैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इस तरीके से हमको ये तीन जो है वो कन्वेंशन देखने को मिलते हैं, जिसको कि वॉलंटरली कंट्रीज को बोल दिया जाता है कि दोस्त अगर आप चाहते हो तो इसको साइन कर दो। अब हम थोड़ा सा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें वो देख लेते हैं। जैसे एजेंडा 21 जो है दोस्त वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन का गोल है,
ठीक है। अब ये गोल क्यों है, क्योंकि 21st सेंचुरी के गोल है, इसलिए उसको एजेंडा 21 नाम दे दिया गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इसको आप ब्लूप्रिंट की तरह समझ सकते हो, जो कि ग्लोबली, नेशनली और लोकली बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर अचीव करने की कोशिश करेंगी। जैसे यूनाइटेड नेशन हो गई, कंट्रीज की गवर्नमेंट हो गई, कुछ मेजर ग्रुप्स हो गए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, एक्सेट्रा। इसी के बाद में आता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब ये क्या है, सबसे पहला और सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट चीज जो है दोस्तों, आप ध्यान रखना कि ये जो है ये लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है एक, ठीक है। इसको अर्थ समिट में ओपन किया गया था इस सिग्नेचर के लिए, कि जो जो कंट्रीज को अबाइड करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। इसको बेसिकली तीन पैरामीटर्स पे अग्रीमेंट कवर करता है, वो आता है एक पहला इकोसिस्टम, दूसरा आता है इसमें स्पीशीज, और तीसरा आता है जेनेटिक रिसोर्सेस। ठीक है, तो ये चीज आपको और पता करनी थी। और ये इसका जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इकोसिस्टम बचाओगे, स्पीशीज बचाओगे, और जेनेटिक रिसोर्सेज बचाओगे इसके थ्रू। ठीक है, तो इसके दो गोल्स क्या देख लिए हमने, इसके हमने बेसिकली तीन मेन गोल देख लिए, कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करोगे, जो कंपोनेंट्स हैं जिनका आप यूज कर रहे हो उसको सस्टेनेबली यूज करोगे, और उसी रिसोर्सेस को जो आप यूज कर रहे हो उसका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होगी बेनिफिट्स की, जो भी उस जेनेटिक रिसोर्सेस से आ रही है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि आपने कोई रिसोर्स यूज करके कोई चीज का इन्वेंशन करा, ठीक है, तो वो चीज आपको इक्विटेबली शेयर करना पड़ेगी। इसके बाद में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमने देखा दोस्त, ये इसकी जो मीट है ये हर 2 साल में होती है। इसकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीट होती है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि 2000 में एक और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है इसके अंडर, इसने फर्दर कुछ सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट्स निकाले, जैसे एक आया कार्टाजिना प्रोटोकॉल। अब ये कार्टाजिना प्रोटोकॉल था दोस्तों बायोसेफ्टी पे, ठीक है, इसको देखेंगे आगे। और दूसरा आता है एक नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल अगेन किस पे था, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन पे। तो ये कार्टाजिना प्रोटोकॉल दोस्तों बेसिकली क्या बोलता है, कि दोस्त आपके यहाँ जो भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उसको अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, उसका यूज कर रहे हो, तो उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर वो कोई भी पोटेंशियल रिस्क पोज करता है, कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो कोई भी पोटेंशियल रिस्क अगर पोज करते हैं कहीं भी किसी भी कंट्री की बायोलॉजिकल डायवर्सिटी पे, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। इसी कारण से इसको बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल बोला गया, और ये होता है कार्टाजिना प्रोटोकॉल। फिर अब नगोया प्रोटोकॉल क्या होता है, नगोया प्रोटोकॉल बेसिकली देखो आपको देखने को मिलेगा कि ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। जैसे हम अपने फंडामेंटल राइट्स में नहीं पढ़ते आर्टिकल 14 में एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो नगोया प्रोटोकॉल क्या हुआ दोस्तों, ये एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेस पहली बात, पहला पॉइंट, और दूसरा फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन। मतलब जेनेटिक रिसोर्सेज का अगर आपने कोई भी चीज यूज करी है, कुछ बनाया है, तो उसको आप फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करोगे। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था, नगोया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। नगोया एक सिटी है जापान में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे UNFCCC के बारे में, जो जिस फ्रेमवर्क के अंडर हम सारे हमारे अग्रीमेंट्स और सारे जितने भी गाइडलाइंस हैं वो लेके आते हैं रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज। मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ दे रहा हूँ, मेरा यहाँ मकसद आपका एनवायरमेंट पढ़ाना बिल्कुल नहीं है, मगर क्योंकि मुझे क्लाइमेट चेंज के इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस देना है, इसलिए मेरे को आपको एक शॉर्ट ब्रीफ देना जरूरी है। अब बात करते हैं UNFCCC कहाँ से निकला, ये भी अर्थ समिट 1992 से ही निकला है। ये एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जो कि अर्थ समिट का आउटकम था। इस ट्रीटी का आउटकम क्या है, इस ट्रीटी के आउटकम बेसिकली तीन पैरामीटर्स पे आप देख सकते हो, कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंसंट्रेशन है उसको लिमिट करना। ठीक है, यहां पे जैसा कि नाम ही बता रहा है, एफ इज फॉर फ्रेमवर्क। तो बेसिकली दोस्तों ये जो यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क मतलब कि एक सेट ऑफ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू, जिसके बेसिस पे नेगोशिएशन किए जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन की जाती हैं, और उसको फाइनली हम प्रोटोकॉल्स बना देते हैं। मगर दोस्तों ध्यान रखना, UNFCCC में इसका जो लीगल इफेक्ट है ये लीगली नॉन बाइंडिंग है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ फ्रेमवर्क बताता है कंट्रीज को कि दोस्त आपको क्या क्या करना चाहिए, जैसे ये बताता है कि आपको कितने डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को कर्टेल करना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये कोई भी किसी भी कंट्री पे किसी भी तरीके का बाइंडिंग लिमिट नहीं लगाता है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन हर इंडिविजुअल कंट्री को कितनी कम करनी चाहिए। तो ये था आपका UNFCCC, जब भी इसकी मीट होती है इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला जाता है, ये आपको समझ में याद रखना है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। देखो दोस्त, आर्टिकल 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प और इंपॉर्टेंट चीजें ही मैंने आपके लिए लिखी है। बस ये बोलता है कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंसंट्रेशन है उसको स्टेबलाइज करने की बात करता है एटमोसफेयर में, वेयर इकोसिस्टम्स कैन अडाप्ट नेचुरली टू क्लाइमेट चेंज। मतलब कि
ऐसा टेम्परेचर या फिर इतना कंसंट्रेशन ग्रीन हाउस गैसेस का जिससे कि क्लाइमेट चेंज पे कोई अफेक्ट ना पड़े, या फिर वो क्लाइमेट चेंज अडाप्ट कर ले, फूड प्रोडक्शन को कोई थ्रेटनिंग ना हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आराम से चल सके इन अ सस्टेनेबल फैशन, इस तरीके की बात करता है और इतना आपको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बोलता है। फिर आता है आर्टिकल 3 क्लॉज 1, ये बोलता है कि पार्टीज जितनी भी हैं इसकी, दे शुड एक्ट टू प्रोटेक्ट द क्लाइमेट सिस्टम। अब क्लाइमेट सिस्टम बचाना सबको है, मगर यही बात करता है एक बहुत अच्छी चीज की, जिस जो कि डेवलपिंग कंट्रीज इसको हर जगह यूज करती हैं। दोस्तों ध्यान रखना, CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चालू हुआ तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो सबसे ज्यादा करने वाली कंट्रीज कौन सी थी? डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, डेवलप्ड न कि डेवलपिंग। तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन है या जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी तो दोनों की बराबर है, डेवलपिंग कंट्रीज को भी क्लाइमेट चेंज बचाना है, डेवलप्ड कंट्रीज को भी बचाना है। मगर आप दोस्तों देखो कि कंट्रीब्यूशन किसको ज्यादा करना चाहिए, डेवलपिंग या डेवलप्ड? ऑफ कोर्स डेवलप्ड को, क्यों? क्योंकि दे आर द रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट दिस ग्रीन हाउस गैसेस, सच ह्यूज लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तो इनको कॉन्ट्रीब्यूट भी ज्यादा करना चाहिए। तो यही आर्टिकल 3 क्लॉज 1 बात करता है। अब आर्टिकल 4 बात करता है कि सारी पार्टी को कुछ जनरल कमिटमेंट्स करने चाहिए जिससे कि वो क्लाइमेट चेंज को कर्टेल कर पाए। जैसे उनको बताना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है। इसी के बाद में अडाप्ट करना चाहिए जो भी उसके इवेंचुअल इंपैक्ट्स होते हैं क्लाइमेट चेंज के। तो इस तरीके से कुछ कमिटमेंट्स रखने की बात करता है इसका आर्टिकल 4। फिर बात करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे यहां पे बात करेगा, आपको पता होना चाहिए क्योटो प्रोटोकॉल की। अब एक क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है? देखो दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल जैसे मैंने आपको बताया था, 1992 के बाद में 5 साल बाद एक और कॉन्फ्रेंस होती है जिसको, जो कि क्योटो में होती है, इसलिए उसको वहां पे प्रोटोकॉल साइन होता है, तो उसको क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं। अगेन ये इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, किससे लिंक्ड है? UNFCCC से। ये क्या करता है? अब ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंटरनेशनली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन के टारगेट्स दे देता है आपको, ठीक है। मतलब कि जितनी भी पार्टीज हैं उनको कितना एमिशन का रिडक्शन करना है उसके बाइंडिंग टारगेट दे देता है। तो ये आपके लिए इस कारण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। अब होता क्या है दोस्त, देखो 1992 में जब अर्थ समिट होती है तो हमको समझ में आ जाता है कि हमको क्लाइमेट चेंज को रोकने की जरूरत तो है, मतलब कि टेम्परेचर या फिर ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंसंट्रेशन है उसको कम करने की जरूरत है। मगर 1995 में ही जाके प्रोटोकॉल साइन होता है, क्योंकि हर चीज टाइम लेती है। तो बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल को आप ऐसा याद रख सकते हो कि ये वो चीज है जो कि जो हमने कन्वेंशन वहां पे लिया था UNFCCC में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसको ऑपरेशनलाइज करती है और कंट्रीज पे क्या करती है, लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स उनको देती है। तो यहां पे हमको क्या समझना है? अच्छा, यहां पे यूएसए का मैंने मेंशन इसलिए किया हुआ है क्योंकि ध्यान रखना पेरिस क्लाइमेट डील से ही बाहर आ चुका है, क्लाइमेट चेंज टॉक से ही बाहर आ चुका है इनफैक्ट, ठीक है। तो यूएसए नेवर रेटिफाइड क्योटो प्रोटोकॉल, आप समझ ही गए होंगे क्यों, क्योंकि इस पे नहीं तो फिर उसको बाइंडिंग टारगेट्स मिल जाते हैं। और क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल में एक चीज और है, यहां पे आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है और वेरिफिकेशन प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। तो यहां पे अगर रिपोर्टिंग करता यूएसए तो पता चल जाता सबको कि इसने कोई मेजर्स ही नहीं लिए। इसी के बाद में क्योटो प्रोटोकॉल में हमारे पास जो पढ़ने के लिए चीज है, हालांकि ये चीज आप पढ़ भी चुके होंगे शंकर आईएएस में, आपने जब एनवायरमेंट के लेक्चर्स पढ़े होंगे, कि यहां पे जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये बेसिकली 2 कमिटमेंट के पीरियड देता है। जैसे कि इसमें अगर ईयर पे बात करें तो पहला जो कमिटमेंट था वो था 2008 से 2012 तक, और दूसरा जो था वो था 2013 से 2020 तक। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि 2020 में जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो खत्म होगा, उसके बाद क्या चलने वाला है, इसको जो गाइड करेगा वो कौन करेगा? वो करेगा पेरिस क्लाइमेट। तो दोस्तों यहां पे क्या है, जो कमिटमेंट्स हमने लिए थे इस पे तो हम बात नहीं करेंगे कि क्या क्या कमिटमेंट लिए थे, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना कि ये 2 कमिटमेंट पढ़ना। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है क्योटो प्रोटोकॉल में वो कुछ चीजें हैं, जैसे NX1 और NX2 या फिर NX-B कंट्रीज क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। और इसको भी पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि एनेक्स होता ही क्या है। दोस्तों आपको पता होगा एनेक्सर जैसे आपकी बुक के जो लास्ट में दिया होता है, ये उसी तरीके का एनेक्स होता है। अब यहां पे जैसे सबसे पहले पढ़ते हैं कि NX1 क्या होता है। NX1 में बेसिकली कुछ कंट्रीज को डाला गया है, इसमें डाला गया है डेवलप्ड कंट्रीज को, डेवलप्ड प्लस जिनका ट्रांजिशन हो रहा है, जिनकी इकोनॉमीज ट्रांजिट कर रही है, मतलब कि डेवलपिंग से डेवलप की तरफ बढ़ रही है। तो इस तरीके से इन कंट्रीज को रखा गया है। अब NX2 में किसको रखा गया है? NX2 में अगेन डेवलप्ड कंट्रीज को ही रखा गया है, मगर ये एक सबसेट है NX1 कंट्रीज का, जिसमें कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको फिनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा इन कंट्रीज को और डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो इनके ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है उसको कम करने में मददगार हो। अब दोस्तों इसमें मैंने बात कर ली डेवलपिंग कंट्रीज की भी, ये क्या है?
तो ये डेवलपिंग कंट्रीज बेसिकली खुद को एनएक्स वन में डाल सकती हैं, मतलब कि एनएक्स वन अप्रोच का, एनएक्स वन बनने तक के लिए एनएक्स टू में आ सकती हैं, ताकि वो एनएक्स वन कंट्रीज से उनकी टेक्नोलॉजीज ले सके और उसको यूज करके ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम कर सके। तो ये वॉलेंटरी है, डेवलपिंग कंट्रीज पे फॉलो नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद में नॉन एनएक्स वन, ये क्या है? ये बेसिकली वो पार्टीज हैं जो कि जिन्होंने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क को साइन किया हुआ है, मगर ये एनएक्स वन लिस्ट में नहीं आती हैं। तो ये बेसिकली लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, जैसे इंडिया। इन पे कोई बाइंडिंग टारगेट्स नहीं होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस कम करने के। लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज आप जानते ही, जैसे अफ्रीकन की बहुत सारी कंट्रीज हैं, इन पे भी कोई बाइंडिंग टारगेट्स नहीं होते ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस कम करने के लिए। और एनएक्स बी जो है, ठीक है, एनएक्स बी जो है, ये एनएक्स वन पार्टीज को फर्स्ट और सेकेंड राउंड जो के जो टारगेट्स थे उसको फुलफिल करने की उनपे कंपलसरी बाइंडिंग टारगेट्स लगाता है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करने की। तो इस तरीके से हमको क्योटो प्रोटोकॉल में एनएक्स वन एनएक्स टू कंट्रीज पे पता होना चाहिए था। इसी के बाद क्योटो प्रोटोकॉल के जो एमिशन टारगेट है, इसमें जो हम गैसेस की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना दोस्त, ये सवाल यूपीएससी बार बार पूछता है कि इसमें जो 6 गैसेस हैं वो कौन सी हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी ये लोग स्विच करते हैं, N2O की जगह NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड ग्रुप्स ऑफ परफ्लोरोकार्बन इसमें इंक्लूड होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलप कंट्री ने ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को लीड किया है, तो उनको कंट्रीब्यूट भी ज्यादा करना पड़ेगा, मगर जिम्मेदारी दोनों की है। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्योटो प्रोटोकॉल में, जिसमें ये बात करता है तीन चीजों के बारे में, दैट इज सबसे पहला फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म। अब दोस्तों क्या होता है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल के टारगेट्स हैं वो या तो आप डोमेस्टिक एक्शंस के थ्रू ले सकते हो, ठीक है, मगर इसी के साथ साथ इसको बहुत ज्यादा फिजिबल बनाने के लिए इन्होंने क्या करा कि इसको एक मार्केट बेस्ड अप्रोच देने के लिए कुछ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म निकाले। जैसे समझते हैं क्या, जैसे आपने पढ़ा होगा ये कि क्योटो फ्लेक्सिबल मार्केट प्रोटोकॉल मैकेनिज्म जो होता है, इसमें आप तीन तरीके से जो ग्रीन हाउस गैसेस का खरीदना बेचना है बेसिकली, अगर मैं बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो वो कर सकते हो। तो इसके हम जो फ्लेक्सिबल मार्केट प्रोटोकॉल है क्योटो प्रोटोकॉल में वो पढ़ेंगे। सबसे पहला है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। बेसिकली क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बहुत ही आसान है, यहां पे आपको सिर्फ इतना समझना है कि यहां पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, जो एनएक्स बी पार्टी में आती हैं, उनको तो टारगेट फुलफिल करने। अब मान लो दोस्त, क्योंकि हमको पता है कि जो उनके ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन से वो मान लो कि टारगेट फुलफिल नहीं कर पाए, तो वो क्या करेंगे, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें जाके इन्वेस्ट करेंगे, वहां पे क्या करेंगे कि एमिशन रिडक्शन के सर्टिफिकेट्स या फिर क्रेडिट्स खरीद लेंगे। तो जितना उन्होंने ज्यादा यूज कर लिया है या एमिट कर दिया है ग्रीन हाउस गैसेस का, वो इससे परचेस कर लेंगे और इस तरीके से दोनों चीजें फुलफिल हो जाएंगी। तो ये तो था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। फिर आता है कार्बन क्रेडिट। अब ये कार्बन क्रेडिट पढ़ना जरूरी क्यों है दोस्त, क्योंकि यहां पे हमने क्या चीज पढ़ी थी, ध्यान से देखो, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन के क्रेडिट्स जो कि बराबर होते हैं 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर, ठीक है। अब यहां पे क्या चीज है, ये जो कार्बन क्रेडिट है, यही कार्बन क्रेडिट को आप कार्बन ऑफसेट भी बोलते हो, जो कि कार्बन क्रेडिट मतलब बताता है कि आप कितने टन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के हकदार हो गए हो, इक्विवेलेंट। तो 1 कार्बन क्रेडिट अगर आपने किसी कंट्री से खरीद लिया तो आप इक्विवेलेंट हो जाओगे 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करने के। तो बेसिकली ये क्या है, एक ट्रेडेबल सर्टिफिकेट है या फिर परमिट है, जैसे आपके गाड़ी चलाने का परमिट होता है ना, ऑल इंडिया परमिट, स्टेट परमिट, इस तरीके से। तो कार्बन ट्रेडिंग किसका नाम दिया गया है, ये नाम दिया गया है एक्सचेंज ऑफ एमिशन परमिट्स का। और जैसे मैंने आपको बताया कि 1 क्रेडिट इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आज दोस्तों ये जो कार्बन क्रेडिट से ये वर्ल्ड ओवर एक्सचेंज किए जा रहे हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने पहला अपना फ्यूचर ट्रेडिंग इन कार्बन क्रेडिट्स 2009 में लॉन्च किया था। तो हम आपको बहुत क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हालांकि मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं आपको कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है। एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं, यहां से चलते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल में हमने तीन चीजें देखी। फ्लेक्सिबल मार्केट प्रोटोकॉल का मैकेनिज्म है जिससे बेसिकली आप जो कार्बन या फिर ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस हैं उसको कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हो। कैसे कर रहे हो, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के थ्रू, एमिशन ट्रेडिंग के थ्रू और जॉइंट इंप्लीमेंटेशन के थ्रू। हमने अभी सबसे पहले देखा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जिसमें देखा डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज कैसे कर रही है। फिर हमने कार्बन क्रेडिट पढ़ा कि किस तरीके से 1 कार्बन क्रेडिट को लेकर 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के हकदार हो जाते हैं। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे जरूर इसके बाद में कि जैसे जॉइंट इंप्लीमेंटेशन क्या होता है,
मगर जॉइंट इंप्लीमेंटेशन पढ़ने के पहले, क्योंकि हमने कार्बन क्रेडिट अभी पढ़ा है, तो टाइप्स ऑफ कार्बन ट्रेडिंग हमको पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ कार्बन ट्रेडिंग दो तरीके से हम पढ़ेंगे, पहला होता है एमिशन ट्रेडिंग और दूसरा होता है ऑफसेट ट्रेडिंग। एमिशन ट्रेडिंग कंट्रीज को अलाउ करता है जो भी उनके अनयूज्ड एमिशन यूनिट्स हैं वो अपने कंट्रीज को, दूसरी कंट्रीज को बेच पाए जिन्होंने ज्यादा कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कंट्री ए और कंट्री बी, इस कंट्री का जो टारगेट था वो था 700, दे हैव एमिटेड 800, और इस कंट्री का टारगेट था 400, दे हैव एमिटेड 300। तो इन्होंने 100 सेव कर ली, इन्होंने 100 एक्स्ट्रा कर लिए, ये इनको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे सिंपल। तो इस तरीके से यहाँ पे एमिशन ट्रेडिंग कैप एंड ट्रेड होता है। उसी के बाद में कुछ अदर ट्रेडिंग यूनिट्स भी आती हैं, जैसे एमिशन रिडक्शन यूनिट, जैसा हमने ऊपर शुरू में पढ़ा था। ये एमिशन रिडक्शन यूनिट जो है, ये जॉइंट इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के थ्रू करी जाती है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जॉइंट इंप्लीमेंटेशन क्या है। पहले जॉइंट इंप्लीमेंटेशन क्या करता है दोस्तों, ये दोनों एनेक्स बी कंट्रीज के उसमें होता है। मतलब जैसे हमने अभी पहले आपको स्टार्टिंग में बताया क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का क्या बताया था, डेवलप टू डेवलपिंग, यहां पे दोनों कंट्रीज जो एक्सचेंज करेंगी ये दोनों ही डेवलप्ड होंगी, ये ध्यान रखना है। जैसे आप देख भी सकते हो कि एनेक्स बी पार्टी होंगी टू अर्न एमिशन रिडक्शन यूनिट्स, ठीक है, और एनेक्स बी पार्टी कहां करेगी, इन अनदर एनेक्स बी पार्टी। और अगर एक बार एक कार्बन क्रेडिट ले लिया, मतलब कि कितना ले लिया, 1 टन ऑफ CO2, ये तो यहां पे भी सेम है, सिमिलर टू क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो ये जॉइंट इंप्लीमेंटेशन हो गया। अब बात कर लेते हैं वापस से कार्बन क्रेडिट पे आगे। देखो हमने क्या बताया था, वापस से एक बार शुरू से बताता हूं। सबसे पहले क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म पढ़ा है हमने, ये देखो ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म पढ़ा था। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ने देखा कैसे कार्बन क्रेडिट फ्लो होता है डेवलप से डेवलपिंग, उस कारण से हमको कार्बन क्रेडिट पढ़ना पड़ा। कार्बन क्रेडिट के हमने दो पढ़ना चाहे थे, पहला हमने एमिशन ट्रेडिंग पढ़ लिया, अदर कुछ ट्रेडिंग यूनिट्स देखते थे, हम जॉइंट इंप्लीमेंटेशन पे स्विच कर गए थे। मगर इसके बाद अगेन ऑफसेट ट्रेडिंग, कार्बन प्रोजेक्ट और बेसलाइन क्रेडिट ट्रेडिंग टाइप की चीज होती है। अब बेसिकली ये बहुत आसान सी चीज है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री में कुछ प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा देती है। जैसे मैंने आप एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे मान लो कि एक थर्मल प्लांट 800 मेगावाट थर्मल प्लांट किससे चलेगा दोस्त, कोल से, ग्रीन हाउस गैस एमिशन करेगा, ठीक है। तो ये 400 कार्बन इक्विवेलेंट इन द एटमोसफेयर जो है वो रिलीज करता है। अब इसी के बाद में एक और इक्विवेलेंट 800 मेगावाट कोई दूसरी कंट्री विंड एनर्जी प्लांट लगा रही है, ठीक है, और ये तो क्योंकि विंड एनर्जी प्लांट है तो ये तो कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं करेगी। तो क्या हो सकता है कि ये वाली कंट्री जो कोल का यूज कर रही है ये इन्वेस्ट कर दे इस वाले प्रोजेक्ट में, जो कि उसको 400 कार्बन इक्विवेलेंट खरीद के दे दे, और फिर वो उसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि कितना अभी रिलीज कर रहे हैं, 400 कार्बन इक्विवेलेंट 800 मेगावाट कैपेसिटी डेवलप करने के लिए। तो इस तरीके से यहां पे ये चीज चलती कार्बन ट्रेडिंग। तो हमने जॉइंट इंप्लीमेंटेशन पढ़ लिया, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म पढ़ लिया, कार्बन ट्रेडिंग मतलब कि एमिशन ट्रेडिंग के हमने रूट देख ली कितने तरीके से कर सकते हो। ये मैंने आपके लिए एक स्लाइड यहाँ पे और ऐड कर दी है, फटाफट आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो। जॉइंट इंप्लीमेंटेशन में कैसे आप यहाँ पे बात कर रहे थे डेवलप्ड या डेवलपिंग या फिर डेवलप की, ये मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में डेवलप डेवलप्ड आएगा, डेवलप डेवलपिंग आएगा, और जैसा आप देख भी सकते हो एडवांस कंट्री है, एडवांस कंट्री बी, ये होगा जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। CDM में एडवांस कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री बी, ये होगा CDM। एमिशन ट्रेडिंग जो हमने तीन चीजें से पढ़ी, या तो आप फाइनेंस कर दोगे प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, या दूसरी कंट्री को मदद करोगे कि रिलीज जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन है उसको कम करने के लिए। तो इस तरीके से आपके बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल में तीन चीजें थी जो हमने पढ़ने की कोशिश करी। फिर अब कुछ बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट समिट्स पे, जो क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिक सर्वे बात करता है। जैसे क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2017, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13 बोला गया, ये 13 सेशन था UNFCCC मीट का। इस थर्ड सेशन में बेसिकली सर्व करा यहाँ पे मेंबर ऑफ द पार्टीज को, जिससे थ्रू की क्योटो प्रोटोकॉल को लीड किया गया, क्योंकि आप देख सकते हो सेम टाइम पीरियड का है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रीज मिली और उन्होंने फाइनली करा कि हाँ हमको प्रोटोकॉल साइन करना चाहिए। साथ ही इसमें कुछ आउटकम्स निकले, जैसे कि कंट्रीज अग्रीड ऑन आउटकम एंड अडॉप्टिंग अ डिसीजन कि यहाँ पे जो फिनेंशियल मैकेनिज्म है जिसको नाम दिया गया है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, ठीक है, इसको हम आगे चल के हालांकि पढ़ने वाले स्लाइड्स में, तो फिनेंशियल मैकेनिज्म जो है इस पर बात की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद में पोलैंड का क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो कि 2008 में हुआ था, यहां पे लॉन्च किया गया अडाप्टेशन फंड, ये लॉन्च किया गया था अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। इसको बेसिकली फंड किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डोनर, साथ ही साथ 2% जो नेट प्रोसीड्स आएंगी सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन की, जो हमने पिछली स्लाइड में बात करी, उसको भी इशू किया जाएगा अंडर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोजेक्ट। फिर आता है कोपेनहेगन का क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो कि 2009 में होता है। यहाँ पे कोपेनहेगन एकॉर्ड इंक्लूड जो चीजें करता है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, जैसे कि 2 डिग्री सेल्सियस की बात होती है यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए कोपेनहेगन मीट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्री इंडस्ट्रियल लेवल आपको पता होना चाहिए, जो हम 2 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं दोस्त की 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे,
ये 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं प्री इंडस्ट्रियल एरिया से। मतलब कि अगर मैं एक आपको लाइन में बताऊं, यहां पे अगर मैं आपको दे दूं टेम्परेचर और यहां पे ईयर, यहां पे ईयर, यहां पे टेम्परेचर, तो जो ना प्री इंडस्ट्रियल एरिया के टाइम पे था वो नेगेटिव में था पूरे वर्ल्ड ओवर का टेम्परेचर, ये धीरे धीरे पॉजिटिव होता गया, तो इस पॉजिटिविटी को हम बोल रहे हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है। इसी के बाद में कोपेनहेगन में बात की गई थी, डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं दे प्रॉमिस टू प्रोवाइड $30 बिलियन 2010 से 2012 तक, और फर्दर $100 बिलियन जो है 2020 से लोग देना शुरू करेंगे अलग अलग सोर्सेस के थ्रू, मगर ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। फिर है कंकून क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो पार्टीज थी दे अग्रीड कि हाँ मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक प्री इंडस्ट्रियल एरा के, और हम कोशिश करेंगे कि हम इसको 1.5 तक ही रोक पाएं। यहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है उसको एस्टेब्लिश करने की बात की गई थी, जो कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होती हैं, पॉलिसीज होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, इसको फंड कर पाए ताकि जो हम डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया नई नई टेक्नोलॉजीज को अडाप्ट कर पाए, नई नई जो उसकी पॉलिसीज हैं क्योंकि पैसे की कमी की वजह से नहीं कर पाते हैं, उसको कर पाए। उसी के बाद में गवर्नमेंट यहाँ पे और भी कुछ चीज़ों के बारे में अग्री हुई, जैसे कार्बन कैप्चर और स्टोरेज। अब जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जैसे अगर आप फॉरेस्ट बढ़ाते हो तो क्या करता है कार्बन को कैप्चर करता है फॉरेस्ट इस तरीके से, और भी कुछ प्रोजेक्ट्स जो होते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के, इस तरीके से कोपेनहेगन कंकून मीट जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पे इन चीजों के बारे में बात करी थी। फिर होता है डर्बन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। अब डर्बन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फंड पे फर्दर डिस्कशन होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट ग्रीन क्लाइमेट फंड, इसको अप्रूव किया जाता है। यहाँ पे बात होती है कि जो फंड है ये ऑपरेट होना स्टार्ट करेगा 2013 से, इसमें बताया गया मैकेनिज्म कि जो मनी है वो कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट होगा फ्रॉम द डेवलप्ड टू द डेवलपिंग वर्ल्ड। उसी के बाद में जैसे मैंने आपको बताया था 2020 से $100 बिलियन रेस करा जाएगा, जो कि अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है, इस पर कोई भी अब बात नहीं चल रही है, और ये क्या काम करेगा कि डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियली अडाप्ट करने में हेल्प करेगा। तो ये चीजें यहाँ पे हुई थी। फिर बात करते हैं दोहा क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के बारे में। अब दोहा कॉन्फ्रेंस को इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसकी जो लिमिट है वो कब खत्म हो रही है 2020 में, मगर ये पहले 2012 में खत्म हो रही थी, इस कारण से दोहा कॉन्फ्रेंस में इस 2012 को एक्सटेंड करके कर दिया गया 2020, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2020 में जब क्योटो प्रोटोकॉल खत्म हो जाएगा तो इसको फिर हम जो लीड करेगा वो करेगा पेरिस क्लाइमेट डील, ठीक है। तो अब क्या होता है क्योटो प्रोटोकॉल में भी कुछ दिक्कत है दोस्तों। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ कि क्योटो प्रोटोकॉल में जो 15% ग्लोबल एमिशन है सिर्फ उसी को टारगेट किया जा रहा है, उसमें भी क्या हो रहा है दोस्तों कि जैसे मैंने आपको बताया यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया, तो कनाडा, जापान, रशिया जैसी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने जो सेकेंड कमिटमेंट पीरियड था उसको फॉलो करने से मना कर दिया। इसी के साथ साथ इसमें बोला जा रहा है कि जो चाइना, इंडिया और ब्राजील डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे मैंने आपको बताया था जब हम क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ रहे थे कि इन पे कोई भी बाइंडिंग एमिशन जो है वो है ही नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी के बाद यहाँ पे जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है इसमें भी जो फंड डेवलप्ड कंट्रीज देने वाली थी इस पर कोई बात नहीं करी, तो दोहा कॉन्फ्रेंस इन चीजों से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है पोलैंड में वॉर्सो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे सवाल पूछा जाएगा, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ये चीज जो है ये वॉर्सो कॉन्फ्रेंस से निकलती है। इसका मतलब क्या है कि कंट्रीज खुद के इंटेंशनली जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या करना चाहते हैं, जैसे भारत बोलता है कि हम 175 गीगावाट एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी बनाएंगे बाय 2022, ठीक है, तो ये हमारा इंटेंडेड नेशनली कॉन्ट्रीब्यूशन था, हम चाहते हैं ये करना, हमने वहां पे बात बोली, तो ये जो टर्म है ये वॉर्सो कॉन्फ्रेंस में निकलती है, ये चीज यहाँ पे हमको पढ़ना थी। इसी के साथ में यहाँ पे एक्सपर्टीज डेवलप करने की बात की जाती है डेवलपिंग नेशंस में, जो डेवलपिंग नेशंस को लॉस और डैमेज होता है ड्यू टू नेक्स्ट एक्सटर्नल कैलामिटीज, नेचुरल कैलामिटीज या फिर नेचुरल एक्सट्रीमिटीज जैसे हीट वेव्स, ड्रॉट, फ्लड, इनसे निपटने की, लॉस एंड डैमेज से निपटने की यहाँ पे इनको हेल्प करने की बात की जाती है। अगली जो मीट है वो बहुत अगेन इंपॉर्टेंट है, लीमा समिट, और इसके बाद वाली जो इंपॉर्टेंट है 15 पेरिस क्लाइमेट, वो तो और ही इंपॉर्टेंट। तो लीमा समिट में क्या होता है, अब यहां पे वो चीज की बात होती है जो कि फाइनली साइन होता है पेरिस क्लाइमेट 2015 में। यहां पे बात होती है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से अबाउ 1850 बेसलाइन, जो कि प्री इंडस्ट्रियल एरा है, उससे कम रखेंगे ग्लोबल टेम्परेचर को, मगर दोस्तों यहां पे लैक ऑफ कंसेंसस की वजह से कोई भी अग्रीमेंट साइन नहीं होता है बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, जिसको कि फाइनली साइन किया जाता है पेरिस क्लाइमेट में। इसका जो ऑब्जेक्टिव था लीमा का, ये बेसिकली था कॉन्फ्रेंस के जो ऑब्जेक्टिव है इसको लीगली बाइंडिंग कर दिया जाए और यूनिवर्सल अग्रीमेंट के तौर पे ये लोग बाहर लेके आ पाए। यहीं पे जो INDC के कमिटमेंट्स हैं, मतलब कि पेरिस समिट जो है इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट
कॉन्फ्रेंस, एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस, क्योंकि यहाँ पे आईएनडीसी के कमिटमेंट्स जो हैं वो लिए गए थे मेजर पॉल्यूटर्स। तो बात करते हैं पेरिस क्लाइमेट के बारे में, बात करते हैं कि पेरिस अग्रीमेंट के क्या एम्स थे। ये ग्लोबल टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल के 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने की बात करता है। उसी के बाद ये इवन फर्दर जाता है 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो हम बात कर चुके हैं। इसी के बाद में कंट्रीज की एबिलिटी बढ़ाने की बात करता है ताकि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से ये लोग निपट मतलब बाहर आ सकें। इसी के बाद में रेटिफिकेशन ऑफ पेरिस अग्रीमेंट, ये अग्रीमेंट बेसिकली बोलता था कि ये अग्रीमेंट जो है वो फोर्स में आ जाएगा 30 दिन बाद, जिस दिन 55 पार्टीज जो कि कन्वेंशन का पार्ट है उसने अगर इसको साइन कर दिया, और ये 55 पार्टीज दे मर्ज एटलीस्ट अकाउंट फॉर एन एस्टिमेटेड 55% ऑफ टोटल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, अगर वो इसको रेटिफाई कर दे तो ये चीज जो है वो इंप्लीमेंटेशन में आ जाएगी। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में आपको पता होना चाहिए कि वी हैव साइंड आर पेरिस अग्रीमेंट ऑन 147th बर्थ एनिवर्सरी। तो आपको जान के अचंबा होगा कि सिर्फ एक साल में जो ये थ्रेशोल्ड है एंड इस पेरिस अग्रीमेंट का फोर्स में आने का वो अचीव कर लिया गया और ये चीज इंप्लीमेंट हो गई। इसको 194 पार्टीज ने साइन करा, रेटिफाई करा एंड और अदरवाइज ज्वाइन बाय 159 पार्टीज रिप्रेजेंटिंग 68% ऑफ ग्लोबल एमिशंस। तो ये चीज आपको अगर पता हो तो अच्छी बात है। इसी के थ्रू इंडियन फ्रांस ने जो इंटरनेशनल सोलार अलायंस लॉन्च किया है, आपको ये भी पता होना चाहिए, जो कि COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 में लॉन्च किया गया था इन पेरिस फ्रांस। जो अलायंस है, ये जो आइडिया है वो हमारे प्रधानमंत्री या फिर हमारी कंट्री ने सोलार पावर को हार्नेस करने के लिए स्टेप उठाया था। अब बेसिकली इंटरनेशनल सोलार अलायंस क्या है, ये जो ट्रॉपिकल कंट्रीज होती हैं जितनी भी वहां पे, क्योंकि मैक्सिमम सनलाइट आती है हम जानते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक सन मूव करता है, तो ये पोटेंशियल मेंबर्स थे इस अलायंस के। हालांकि अब इसको ट्रॉपिकल रीजन से बाहर की कंट्रीज भी ज्वाइन कर सकती हैं। तो इस तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर को राइज होने से बचाने के लिए ऐसे अलायंस बनाया गया ताकि आप सोलार पावर को भी हार्नेस कर पाओ और लोगों में एक जागरूकता आए। ये जो फंक्शन था बेसिकली इट विल फंक्शन फ्रॉम द गुड़गांव बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलार एनर्जी, जो कि इसको इंप्लीमेंट करने की हेल्प करेगा। इसी के बाद में ये कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहां पे कि कलेक्टिव एम्बिशन जो है कंट्रीज की, कैसे कॉस्ट ऑफ फाइनेंस को लाया जाए, जो टेक्नोलॉजी अडाप्टेशन है उसको कैसे किया जाए, उसी के बाद में जो ट्रेनिंग और रेगुलेटरी इश्यूज होते हैं उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, कैसे मेंबर कंट्रीज को इन्वेस्ट किया जाए, कैसे अलायंस को और मजबूत बनाया जाए, इस तरीके के यहाँ पे बात चलती है। फिर एक यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज का जो समिट है एट बॉन जर्मनी 2017 का, ये बहुत अलग अगेन इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली एक डायलॉग, ये आपसे पूछेंगे तलावना डायलॉग जो है ये कहाँ से निकलता है, ये इस समिट से निकलता है। बेसिकली क्या है दोस्तों, ये एक ईयर लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब एक साल तक क्या करेंगे। और अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये फिजी की एक ट्रेडिशनल अप्रोच है और अदर पैसिफिक आइलैंड्स में अप्रोच अपनाई जाती है, जहां पे बेसिकली क्या होता है एक इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी और ट्रांसपेरेंट डायलॉग्स होते हैं, ताकि कोई भी अगर डिफरेंसेस हैं कंट्रीज के बीच में तो उसको रिजॉल्व किया जा सके। इसी के साथ में जो मिटिगेशन एक्शंस अलग अलग कंट्रीज आज अपना रही हैं उनके जो एफर्ट्स हैं उसको देखा जा सके, और इस तरीके से उनको फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस जो दे रहे हैं उसको भी ये लोग रिव्यू कर पाए कि आपको कितना मिल रहा है और उसने आप पे कितना मिटिगेशन एक्शन लिया है। तो बेसिकली तलावना डायलॉग ये होता है और ये निकलता है क्लाइमेट चेंज समिट एट बॉन जर्मनी से। फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 24 होती है केटवाइज पोलैंड, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आउटकम की वजह से। अब ये आउटकम देती है क्योंकि एक रूल बुक बना देती है, ये वो रूल बुक है जो आप पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट जो आपने साइन किया है उसको जब ऑपरेशनलाइज वो हो गया तो गवर्नमेंट इस चीज को कैसे मेजर करे, कैसे रिपोर्ट करे, जो उनके एमिशन है उसको कैसे वेरीफाई करे, जो उनके कटिंग एफर्ट्स है एमिशन के उसको कैसे बताए, इन सब मुद्दों पे इलेबोरेशन आया और एक रूल बुक डिजाइन हुई। क्योंकि ये क्यों करना जरूरी था दोस्तों, क्योंकि आपको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बनाना जरूरी है वर्ल्ड ओवर, जिसके थ्रू कि आप कंट्रीज को नाप पाओ, मेजर कर पाओ कि आपकी किस कंट्री ने कितना अच्छा काम किया है। तो इसी तरीके से ये जो रूल बुक है ये बहुत से डाउट्स और कंटेंशंस जो थे जो कि क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड थे, सराउंड कर रहे थे, उसको भी क्लैरिफाई करता है। तो इस कारण से केटवाइज पोलैंड की जो मीट है वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में कुछ इश्यूज भी उठ के आए थे, जैसे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट में कुछ डिसएग्रीमेंट उठ के आए थे, कोई इसमें एम्बिशियस एक्शन प्लान नहीं लिया गया। इसी के बाद में कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रॉमिस किया गया था पेरिस अग्रीमेंट में उसको नहीं लाए। इस तरीके से यहाँ पे आप पढ़ सकते हो स्लाइड रोक के, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के इश्यूज कभी भी नहीं पूछे जाएंगे।
तो इंडिया के जो कॉन्फ्रेंसेस में जो एफर्म या हमने जो पोजीशन ली है वो क्या है, वो हमको पढ़ना जरूरी है। जैसे इंडिया हमेशा बोलता है, और इंडिया अपने इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के जो कमिटमेंट्स हैं वो लेके चलता है। जैसे हमने बोला 175 गीगावाट बाय 2022, तो हमने आज ही उसको अचीव कर लिया है। फिर इंडिया बात करता है कि इक्विटी होना चाहिए, क्लाइमेट जस्टिस होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो आज उतना बेहतर नहीं है, यूएस जितना लोगों के पास, यूएस के लोगों के पास जितना है उतना नहीं है, तो हम भी वो हमारे लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं। इसके बाद में इंडिया बात करता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, कि आपने ज्यादा इमिट किया है तो रिस्पॉन्सिबल ज्यादा आप हो, जिम्मेदारी हमारी है मगर रिस्पॉन्सिबल ज्यादा आप हो। इसी के बाद में एक रॉबस्ट ट्रांसपेरेंटी मैकेनिज्म को हम डिमांड करते हैं सारी कंट्रीज के लिए। तो इस तरीके से इंडिया का स्टैंड रहता है। अब बात करते हैं इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज। तो सबसे पहले तो आपको यही बता दूं कि हमारे नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जो एमिशन इंटेंसिटी है हम उसको रिड्यूस करेंगे बाय 33 to 35% 2030 तक, कंपेयर टू जो हम 2005 के लेवल में एमिट करते थे। इसी के साथ 40% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी तक लेके जाने की कोशिश करेंगे बाय 2030। मगर ये हम जब ही करेंगे जब हमको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर किया जाएगा डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा, और लो कॉस्ट फाइनेंस प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही हम बोलते हैं कि हम एडिशनल कार्बन सिंक को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जो कि इक्विवेलेंट होगा 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के 2030 तक, बाय क्रिएटिंग एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो ये आप देख भी सकते हो, यहाँ मैंने इंडिया का एमिशन टारगेट लिखा हुआ है, जैसे 32 to 35 मैंने आपको बताया था। यहाँ पे चाइना का है, जैसे आप देख सकते हो ये जीडीपी के रिस्पेक्ट में बताता है। यूएसए का देख सकते हो, अगर आप चाहो तो स्लाइड रोक के पढ़ सकते हो। फिर जैसा मैंने आपको बताया था इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो उसके बारे में पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसकी रिपोर्ट्स भी पूछी जाती है, और ये इंस्टीट्यूशन जो है अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है। अब आईपीसीसी को बताने के पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये क्या नहीं करता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि ये कोई भी रिसर्च वर्क जो है उसको नहीं करता है, साथ ही साथ ये क्लाइमेट रिलेटेड के जो डाटा होते हैं उसको भी मॉनिटर नहीं करता है। ये दो चीजें याद रखना, ये पूछी जाती है। इसके बाद ये एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जो कि साइंस रिलेटेड असेसमेंट करती है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, बेसिकली रिव्यू करती है, असेस करती है जो भी साइंटिफिक टेक्निकल या सोशो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड में प्रोड्यूस होती है रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। फिर इसको एस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इन 1988। इसका जो एम है कि जो वर्ल्ड ओवर पे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको साइंटिफिक असेसमेंट के बारे में बता पाएं कि दोस्त अगर आपने काम नहीं किया तो इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, इससे क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है। फिर ये कुछ वे फॉरवर्ड भी बताते हैं रिगार्डिंग द अडाप्टेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। इसका कंपोजिशन 195 मेंबर स्टेट्स हैं। इसमें आईपीसीसी में 3 वर्किंग ग्रुप्स काम करते हैं। जैसा वर्किंग ग्रुप जो 1 है वो डील करता है फिजिकल साइंस पे, वर्किंग ग्रुप 2 जो है ये डील करता है इंपैक्ट अडाप्टेशन और वल्नरेबिलिटी पे, थर्ड वाला जो है ये अगेन मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज पे काम करता है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं था। आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है जिसकी थीम थी पूछी जा सकती है, याद करो इसको, स्पेशल रिपोर्ट ऑन द ओशन एंड क्रायोस्फेयर इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्रायोस्फेयर है दोस्तों ये एक एनकम्पासिंग टर्म समझ सकते हो आप, जो कि अर्थ सर्फेस पे जितने भी पोर्शन जहाँ पे वाटर सॉलिड फॉर्म में, जैसे सी, लेक आइस, रिवर आइस, स्नो कवर, इन सबको आप इसके अंडर मान सकते हो इस टर्म के। तो इस रिपोर्ट में कुछ सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स निकलती है और ये बेसिकली बताते हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का जो हम एक प्रोजेक्शन लेके चल रहे हैं, ठीक है, उसको अचीव करना क्या फिजिबल है तो कैसा है। फिर ये बात करता है कि जो लैंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ है ग्लोबल वार्मिंग में उसमें कैसे ये लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारे जो रिपोर्ट है फोकस करती है। इसी के बाद में कुछ जो की फाइंडिंग्स है रिपोर्ट की वो हम पढ़ते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो की फाइंडिंग में बताता है कि जो हमारे ओशंस हैं वो एक ट्रांजिशन फेज से आज हमें गुजरते हुए दिख रहे हैं, एक अनप्रेसिडेंटेड कंडीशंस में है वो, जहाँ पे कि उनका टेम्परेचर जो है ये कंटिन्यूसली राइज कर रहा है, वहाँ पे ओशन एसिडिफिकेशन देखने को मिल रहा है, मरीन हीट वेव्स और साथ ही साथ एक्सट्रीम अल नीनो और ला नीना इवेंट्स जैसे हमको देखने को मिल रहे हैं। फिर बात करता है ओशन वार्मिंग से, ये बताता है कि आज सिंस 1970 आर ग्लोबल ओशन जो है वो बहुत ज़्यादा वार्म हो चुका है, 90% ऑफ द एक्सेस हीट जो है क्लाइमेट की वो हमारे ओशंस में आज है। तो 1993 के बाद से जो ओशन वार्मिंग है और मरीन हीट वेव्स है ये इनकी फ्रिक्वेंसी जो है और इंटेंसिटी है इट हैज जस्ट ऑलमोस्ट डबल्ड। बात करता है फिर ग्लोबल मीन सी लेवल के बारे में, ये बोलता है कि 16 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका है,
बिटवीन 1902 टू 2015, और ये जो रेट ऑफ इंक्रीज है ये भी डबल हो चुका है। फिर बोलता है कि 2006 से 2015 तक जो ग्लोबल मीन सी लेवल है इसको रिकॉर्ड किया गया था 3.6 एमएम पर ईयर, जो कि जस्ट डबल है 1.4 एमएम पर ईयर, जो कि 90 साल पहले 20th सेंचुरी में नापा गया था। सी लेवल राइज को भी इसमें बताता है फर्दर बायफर्केट करके कि ग्लोबली दोस्त यूनिफॉर्म नहीं है, रीजनली वेरी करता है, रीजनल डिफरेंसेज विद इन 30% ऑफ ग्लोबल मीन सी लेवल राइज। और ये जो डिफरेंस है ये डिपेंड करेगा कि लैंड आइस लॉस कितना हुआ है, आपके यहाँ पे ओशन वार्मिंग का वेरिएशन कितना है, और साथ ही साथ सर्कुलेशन कितना है। फिर यहाँ पे कुछ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, जैसे मैं आपको बता रहा था कि 2006 से 2015 तक ग्रीनलैंड आइस शीट जो है उसने जो आइस मास है एवरेज रेट 278 बिलियन टन्स एवरी ईयर ये लूज कर रहा है, ठीक है, जो कि दर्शाने के लिए काफी है कि आपका ग्लोबल सी लेवल जो है वो 0.8 एमएम पर ईयर तो बढ़ ही रहा है। इसी के साथ साथ सेम पीरियड में एंटार्क्टिक आइस शीट जो है इट लूज नियरली अबाउट 155 बिलियन टन्स ऑन एवरेज एवरी ईयर। और अगर अब मैं इसमें हिमालयस भी मिला दूं तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि 220 बिलियन टन्स ऑफ आइस एवरी ईयर हम लूज कर रहे हैं, जिस कारण से कि टेम्परेचर अगेन बढ़ेगा, थर्मल एक्सपांशन होगा ओशन वाटर का। इसी के बाद में जो 20th सेंचुरी की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया क्रायोस्फीयर जो श्रिंक हो रहा है, जैसे मैंने बताया क्रायोस्फीयर क्या होता है, ठीक है, तो क्रायोस्फीयर जो श्रिंक हो रहा है इसके नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेंगे ऑन द फूड सिक्योरिटी, ऑन द वाटर रिसोर्सेज, वाटर क्वालिटी, लाइवलीहुड एक्सेट्रा। तो इस तरीके से आपको ये चीज पढ़ना थी। और आखिरी में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को समझा के मैं ये लेक्चर खत्म करूंगा। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे का टेक देखेंगे हम कि उसने हमको क्या क्या चीजें बताई, क्योंकि ये सारी चीजें इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने यूज करी है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ये एक कन्वेंशन था जिसमें कि डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट किया जाएगा। जो ड्रॉट इफेक्ट्स आते हैं उसको हमने अपने नेशनल एक्शन प्रोग्राम में भी इंप्लीमेंट किया। नेशनल एक्शन प्रोग्राम में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज लेके आए हम, जिसमें कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन और पार्टनरशिप अग्रीमेंट हमने साइन किए। ये बेसिकली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है जो कि डेजर्टिफिकेशन प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। ये जो कन्वेंशन है दोस्तों ये डायरेक्ट निकलता है रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21 से और एंटर होता है फोर्स में इन 1996। तो ये आपको इसमें UNCCCD के बारे में पता होना चाहिए था। बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो चलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि अडॉप्ट हुआ था 1987 में, और ये प्रोटेक्ट करता है अर्थ की ओजोन लेयर को, ठीक है, कैसे करेगा, जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको कम करके। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जिसने की 95% ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो है दोस्तों, जब से इसका मैंडेट आया 30 ईयर्स ऑफ इस एग्जिस्टेंस में ही इसने 95% ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को बाहर कर दिया। इसी के बाद यहाँ पे HFCs जो है उसका कंप्लीट फेज आउट की बात की जाती है बाय 2030, क्योंकि ये अगेन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है। इसमें फर्दर अमेंडमेंट होता है ओजोन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, जिसका नाम दिया गया किगाली अग्रीमेंट या किगाली अमेंडमेंट। इसमें 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट होता है, यहाँ पे HFCs के साथ साथ भी गैसेस को इंक्लूड करा गया, मगर HFCs जो कि पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है इसको लेट 2040 तक फेज आउट करने की बात की गई। उसी के बाद में किगाली अमेंडमेंट में सारी 197 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ने टाइमलाइन दी कि हाँ हम HFCs को रफली 85% तक हमारी जो बेसलाइन है उससे कम कर देंगे बाय 2045। इस कारण से किगाली अग्रीमेंट जो कि अमेंडमेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे किगाली अमेंडमेंट का सिग्निफिकेंस भी लिख दिया है, जैसे मैं आपको बता रहा था अभी कि इट अमेंड्स 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि क्यों डिजाइन हुआ था, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम करने के लिए, फेज आउट करने के लिए, जिसमें मेनली आते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो कि पहले सिर्फ गैसेस को रोकने के काम में आता था, जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसेस को जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको इंक्लूड करता है। अब ये क्या हेल्प कर रहा है, ये 0.5 डिग्री सेल्सियस राइज जो है ग्लोबल टेम्परेचर में उसको कम करने की कोशिश कर रहा है, जो कि अगर HFCs इंक्लूड नहीं होती तो ये नहीं हो पाता। तो बेसिकली ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को एक थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है या जो किगाली अग्रीमेंट है ये बाइंडिंग है कंट्रीज पे फ्रॉम 2019। उसी के बाद में इसमें पेनल्टीज के भी प्रोविजन है अगर कोई कंप्लाई नहीं करता है इसको,
और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इसमें फंडिंग सपोर्ट भी देंगी डेवलपिंग कंट्रीज को। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। आई होप आपको मैंने बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प वे में बहुत सारी चीजें समझाने में मैं सक्सेसफुल हुआ हूं। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अब स्टार्ट करेंगे कि सर्वे ने हमको क्या क्या चीजें समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इन द एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर हियरिंग अस, स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर विच विल स्टार्ट विद द वेरी सेम स्लाइड विच यू आर सीइंग जस्ट नाउ।